हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को एनेबल जरूर करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस के बारे में आपको यूं ही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम लाइफ एक्स पर आपको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाइफ एक्स पर आपको बताने जा रहे हैं कि घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो घर में कलह क्लेश का कारण बनता है। दोस्तों, सभी लोग आजकल नया घर बनवाने के लिए वास्तु टिप्स की मदद लेते हैं। इससे घर में शांति बनी रहती है और खुशहाली आती है। वैसे तो भारत के यह वास्तु नियम और चीन का फेंग शुई दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन आज हम वास्तु नियम के अनुसार घर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर एक, फवारा। कई लोग अपने घर के गार्डन में फाउंटेन लगवाते हैं जिससे बगीचा सुंदर लगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर का पैसा और लोगों का सम्मान दोनों चले जाते हैं। जिस तरह फवारे से पानी निकलता है उसी तरह पैसे और घर की सुख शांति बाहर जाती है। इसके लिए कभी भी घर में फवारा नहीं लगाना चाहिए। नंबर दो, भगवान शिव का नटराज रूप। दोस्तों, घरों में भगवान की मूर्तियां रखना अच्छा होता है, लेकिन घर में भगवान शिव की नटराज प्रतिमा रखने से शांति चली जाती है और घर में हमेशा कलह होने लगता है। नंबर तीन, महाभारत का युद्ध। दोस्तों, पुराने समय के सबसे बड़े महाभारत के युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में महाभारत से जुड़ी कोई भी तस्वीर या चिन्ह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। नंबर चार, ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल को प्यार का प्रतीक कहा जाता है, जिस वजह से कई लोग घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ताजमहल की तस्वीर या छोटी प्रतिमा घर में लाकर रख लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ताजमहल बेगम मुमताज का मकबरा है और मकबरे को घर में रखना अशुभ होता है। नंबर पाँच, जंगली जानवरों की तस्वीर। दोस्तों, घर की दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए लोग जंगली जानवरों की पेंटिंग लगाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसी तस्वीरें लगाने से घर के सदस्यों का स्वभाव भी जानवरों जैसा हो जाता है और हमेशा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि घर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो घर में कलह क्लेश का कारण बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।